सोमनाथ मंदिर भूमंडल दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरला बंदरा गांव में स्थित यह मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख रुक्या में स्पष्ट है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्तरधर्म पतन के ऐतिहासिक प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर को तोड़ा तथा पुनर्निर्माण किया गया है। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। यह 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक का बड़ा ही सुंदर सचिन वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने देहत्याग किया था, इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया है। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन बाग बगीचे और देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्रद्धा नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्रा भद्रपा कार्तिक माह में यह श्रद्धा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यह श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यह 3 नदियाँ हिरण्या कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार में बताया कि कथन के अनुसार सोम अर्थात चंद्र से दक्षिण प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते हुए अन्य को देखकर क्रोध में आकर दक्षा ने चंद्रदेव को साप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। साप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंतर शिव प्रसन्न हुए और सोमचंद्र के साप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन यहाँ करवा कर उनका नामकरण हुआ। सोमनाथ ऐसी मान्यता है कि कृष्णा भालुका तीथा पर विश्राम कर रहे हैं, तब भी शिकारी ने उनके पैर के तलुओं में पदचिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तब ही कृष्णा ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंट आगमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्णा मंदिर बना हुआ है। सर्वप्रथम एक मंदिर इसके पूर्व अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पूर्ण निर्माण 7वीं सदी में वल्लभ की मेत्रक राजाओं ने किया। 18वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर गुनियाद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुजरपतिहार राजा नगाभट ने 1815 ईस्वी में इसका 3री बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अलब बरूनी अपने यात्रा वृत्तन में इसका विवरण लिखा, जिसमें प्रभावित महमूद गजनावी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोगों मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे, सभी कत्ल कर दिए गए। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोग ने इसका पुनर्निर्माण कराया। सन 1257 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पूर्ण 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास पटना के नाम से भी जाना जाता है। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जनिंदर होता रहा और शिवलिंग यशावत रहा, लेकिन सन 1026 में महमूद गजानी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठा किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिरों को शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे देवदास सोमनाथ मंदिर के हे महमूद गजनी ने सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन धारों को अपने साथ ले गया था।